गुलाम हैदर बहुत 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 वेलकम है आपका भारत में। अब मैंने हर चैनल में कह रहा हूँ, आ अपनी जंग लड़ और जीतेगा। क्यों जीतेगा? कोई सबूत नहीं है। देखिए वो रघुपुरा में दो चार घर है, हम मीणा समाज के लोग हैं, हम देखो एपी सिंह से डरने की जरूरत नहीं है, किसी से डरने की जरूरत नहीं है। उनकी जो माता जी है उनकी मेरी बात हुई, ठीक है, मैंने बोला भी है माता जी आप भी स्वस्थ रहे, ठीक है, आपका पोता पोतिया मिलेंगे। और तो वेलकम बैक, उम्मीद करता हूँ कि पूरी यूट्यूब फैमिली अच्छी होगी, खुश होगी। एक नई वीडियो में आप सभी का तहे दिल से वेलकम करते हैं। बात करेंगे सीमा हैदर गुलाम हैदर को लेकर। दोस्तों इससे पहले हमने एक वीडियो अपलोड की थी, शायद आपने देखी हो, यानी सूर्य वर्मा जी की, जो दिल्ली के हैं, गुलाम हैदर की हेल्प करना चाहते हैं, गुलाम हैदर की आवाज उठा रहे हैं हिंदुस्तान के अंदर। तो मेरे दोस्तों बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वो एक गरीब की मदद कर रहा, एक मजबूर की मदद कर रहा जिसके पास आज कुछ नहीं, यानी उसका सब कुछ लुट गया। एक इलीगल औरत ने, भगोड़ी औरत ने, यानी उसे तबाह कर दिया। आप सब से जो है एक रिक्वेस्ट और करते हैं दोस्तों, गुलाम हैदर जो है अपना चैनल क्रिएट किया उसने, तो उसकी सपोर्ट करें दोस्तों। डिस्क्रिप्शन के अंदर जो लिंक है वहाँ डाल देंगे, तो आप उसे सपोर्ट जरूर करें, आप सबसे रिक्वेस्ट है दोस्तों। सूर्य वर्मा जी हैं, उनकी एक वीडियो आई थी और एक सेकंड वीडियो जो है हम यही दिखाएंगे, यानी उन्होंने जो एपी सिंह है और सीमा सचिन उनको चैलेंज किया है कि ये जो है एक मजबूर बाप की जीत होगी और मैं उसका पूरी तरह से जो है वेलकम करूंगा। उसके लिए जो है मुझे वकील भी तैयार कर लिए हैं, यानी हैदर को जो है मैं बच्चे दिलवा कर रहूंगा। और दोस्तों इस वीडियो में जो है उन्होंने एक बात और कही कि जो है गुलाम हैदर की माँ से भी बातचीत शायद हुई, उनकी जिक्र कर रहे हैं वीडियो में। तो ये वीडियो आप देखें आखिर तक और इसे शेयर करें, ताकि हिंदुस्तान के अंदर लोग सामने आ सके कि जो गुलाम हैदर है उसकी सपोर्ट के लिए, क्योंकि दोस्तों वो मजबूर है, गरीब है, और इंसानियत के नाते आप सबने जो है उसकी सपोर्ट करनी चाहिए। यह ना देखे कि वो पाकिस्तान का है, पाकिस्तान से हमें कोई मतलब नहीं, गरीब बाप की जो है मदद के लिए आवाज उठा रहे। और सूर्य वर्मा भी जो है यही काम कर रहे। तो सुनिए दोस्तों वर्मा जी ने क्या कहा, बहुत ही अच्छी बातें की। जिस पे वो बैठ के वो कूद रही है ना कि मैं, मेरे भाई एपी सिंह है, मेरे साथ है, मेरा सब कुछ है, कुछ नहीं होने वाला। एक से एक वकील देश के अंदर है, ठीक है, उसको एपी सिंह को भी जानकारी है कि मैं जहां तक हूं ना मुझसे लेवल भी बड़ा है। एक वकील होता है, फिर एक जज होता है, जज से सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से हाई, ऐसे वो सोच रहा है कि मैं बिल्कुल ही, उसको तो भैया हाई कोर्ट ही समझ रही है कि वो तो प्रधानमंत्री समझ रही है उसको, ठीक है, कुछ नहीं है, ठीक है जी। गुलाम हैदर से मैंने आपके चैनल के माध्यम से, हर चैनल के माध्यम से एक बात कही है कि भाई गुलाम हैदर बहुत 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 वेलकम है आपका भारत में। भारत की सरकार ने आपका वेलकम कर दिया है, भारत के हर पत्रकार ने आपका वेलकम कर दिया है, भारत ने हर जनता ने आपका वेलकम कर दिया है। आओ, उनकी माता जी भी बहुत खुश हैं, उन्होंने आपका नाम भी लिया है कि सूर्य वर्मा जी जो हैं, उनकी सोच से मैं बहुत खुश हूँ जी। देखिए आज सुबह मैंने उनके पोस्ट देखी और उनकी माता जी ने मेरे, देखो उनकी भी माता है, बड़ी बुजुर्ग तो देखो सभी की माता होती है, मैं कहता हूँ मेरी भी माता है, मेरी भी माँ है। देखो मैं ये कहूंगा कि उन्होंने अच्छा मेरे लिए अच्छा बोला, एक दुआ दी है, बच्चा हूं मैं, कोई बात नहीं, मैं भारत में हूँ, ठीक है, वो कहाँ से है मुझे कोई नहीं, लेकिन मैं एक माँ तो माँ होती है, हर बात अपने बच्चों के लिए सब एक माँ भी सोचती है, एक पिता भी सोचता है। लेकिन इसको देखो ना, इस माँ को, एक ऐसी माँ को देखो, दुनिया को दिखाओ ना ऐसी माँ, ऐसी एक से ऐसी महिला दिखाओ, ऐसी औरत दिखाओ दुनिया को, जो अपने चार बच्चे लेके भारत में घुस के बैठी है, कोई कुछ नहीं कर रहा, आवाज उठ गई मैडम पूरे धमारे पूरे भारत में आवाज उठ गई है। हर चैनल पत्रकार, आप हमारा भारत का हर चैनल खोल के देखो, ठीक है, गुलाम हैदर तुम्हारे अपने बच्चे मिलेंगे, किसको मिलेंगे, गुलाम जिसके असली बच्चे हैं, असली पति है, एक उनका पिता है, उसको मिलेंगे मैडम, क्यों नहीं मिलेंगे, अपना वीजा लगा भारत आ, सब सुविधा तेरी ने तैयार बैठी है, और फिर सूर्य वर्मा बैठा तेरा भाई, टेंशन क्यों लेता मेरे भाई तू। अब मैंने हर चैनल में कह रहा हूं, आ अपनी जंग लड़ और जीतेगा। क्यों जीतेगा? कोई सबूत नहीं है, तुम्हारी जीत निश्चित है, क्यों, तुम्हारे बच्चे हैं। हमने सपोर्ट, पाकिस्तान का सपोर्ट नहीं है भैया, अगर वो गलत हरकत करता है उसका कोई सपोर्ट नहीं करता, एक इंसान का जरूर सपोर्ट कर रहा हूँ, एक इंसान की मदद इसलिए कर रहा हूँ कि उसके बच्चे हैं, एक बाप के बच्चे, हमारे बच्चे, सब दुनिया में हर बाप के बच्चे होते हैं मैडम, ठीक है, डरे हुए बैठे हैं, एपी सिंह भी डरा हुआ बैठा है, ठीक है, सचिन को भी, उसको तो पता ही नहीं हो रहा क्या हो रहा है, सीमा को भी कुछ नहीं, सारा खेल एपी सिंह खेल रहा है, कहता है, अब वो कह रही है मेरा बाल भी नहीं उखाड़ सकते जब तक मेरा भाई है। अरे भैया एक से एक अच्छे वकील भी हैं, उन वकीलों से उनको एपी सिंह को पता होता है, वो भी वकील है ना, उसको सब पता है कि जब मेरी आमने सामने जब
जज में कोर्ट में जब सुनवाई होती ना, जब सामने जज एक से एक वकील टकराते हैं तो मैडम बड़ा होता है वो, जब मुद्दा चलेगा ना तब सबकी इनकी वो खिड़की बनेगी। गुलाम हैदर आई तो आता क्यों नहीं, आके अपना अपने बच्चों की लड़ाई लड़, सुनोगा अपने बच्चे जाएंगे तुम्हारे साथ जाएंगे, तुम्हारे बच्चे हैं, कहीं का भी है तू इंसान है, अपने बच्चे लेके जा, तेरे बच्चे का हक है। और पूरे भारत की जनता ने, हर समाज ने, मीणा समाज ने क्या बोला, आज मेरे बड़े अच्छे दोस्त है मीणा समाज में, मैंने सबसे सलाह की यार देखो एक समाज में क्या कहा उन्होंने, कहता भाई सूर्य वर्मा हम क्या करें, देखिए वो रघुपुरा में दो चार घर है, हम मीणा समाज के लोग हैं, हम देखो हमारे मेरे दोस्त है कहीं थाने में, सब इंस्पेक्टर है, SHO है, मीणा समाज से है, बड़ी अच्छी मेरी जान पहचान है, उनसे भी मेरे बात हुई, भाई क्या, अरे कह रहा भाई साहब क्या कह सकते हैं हम इस बारे में, लेकिन क्या है हमारे समाज में कभी ऐसा हुआ नहीं, ठीक है क्या। अच्छा सुनो, अब उसके चार बच्चे हैं, है? अब वो बड़े हो गए, चलो चलो वो रह गई, बड़े हो गए, क्या वो मीणा समाज में ही शादी कर देंगे उनकी? बिल्कुल नहीं, कोई मीणा समाज में उनको नहीं लेगा, क्यों? वो एक पाकिस्तान के एक हैदर के बच्चे हैं। मैडम ये बात भी देखो ना, ठीक है, मीणा समाज समझता नहीं, अरे सब खिलाफ है, 95% लोग मीणा समाज के भी इसके खिलाफ है मैडम, ठीक है, वो दिखा, और APC में कोई पता है कि आज आज मुद्दा कहां उठ गया है, भारत के अंदर एक मुद्दा उठाया है, मैंने उठाया, सब उठा रहा है भाई, एक बाप का दर्द है, जनता समझ चुकी मैडम। एक बात और कहूंगा मैं आपको, देखो कानून, कानून से बड़ा इस, देखो पहले सर्वप्रिय हमारा देश होता, हमारी माटी होती है, इससे बड़ा कोई धर्म, कोई कानून, कोई मतलब अपनी जो मिट्टी होती है, ठीक है, अपनी जो मातृभूमि होती है हमारी, भारत माँ है, उससे बड़ा मैं कुछ नहीं समझता हूँ। जब इंसानियत आती है, इंसान की बात आती है, इंसान की आती है, चाहे वो औरत की हो, चाहे मर्द की हो, चाहे बच्चे की हो, चाहे किसी की भी, जब इंसान इंसान वाली बात आएगी, इंसानियत वाली बात आएगी ना, तो गुलाम हैदर जैसे इंसान की बात आनी चाहिए, ठीक है, जिसके चार बच्चे, एक पिता से चार बच्चे जुदा हैं, और कहां जुदा है उसको सब कुछ पता है, ठीक है, मेरे भारत के लोग बड़ी सबने कहा है, मैं भारत के सब में रहता हूं, सबसे सलाह होती है हर रोज, सबने कहा है कि गुलाम हैदर के, मैंने कहा है, मैंने सोच समझ के फैसला लिया है, एक इंसान का दर्द समझ के फैसला लिया है कि मैं उसके बच्चे जरूर दिलवाऊंगा, मेरे भाई भारत आ और दिल खोल के स्वागत है, हर चीज की तेरे को सुविधा मिलेगी भारत के अंदर, APC से डरने की जरूरत नहीं है, किसी से डरने की जरूरत नहीं है, एक से एक वकील है, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट बहुत वकील है, तो मैं करवा के दूंगा, बोल दिया भाई, मेरी रोज सलाह होती है, ठीक है, मैं गुलाम हैदर भाई तेरे बच्चे दिलवाऊंगा, और उनकी जो माता जी है उनकी मेरी बात हुई, ठीक है, मैंने बोला भी है माता जी आप भी स्वस्थ रहे, ठीक है, आपका पोता पोतिया मिलेंगे, और जरूर मिलेंगे मेरी माता जी, आपके पोता पोतिया जरूर, इंसानियत आती है, इंसान की बात आती है, इंसान की आती है, चाहे वो औरत की हो, चाहे मर्द की हो, चाहे बच्चे की हो, चाहे किसी की भी, जब इंसान इंसान वाली बात आएगी, इंसानियत वाली बात आएगी ना, तो गुलाम हैदर जैसे इंसान की बात आनी चाहिए।